आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम इस वीडियो में बिहार बीपीएससी शिक्षक भर्ती प्रक्रिया 2023 के लिए एडुटेरिया के बिहार स्पेशल बुक से रिलेटेड जो है सेट नंबर 4 को करने वाले हैं, जिसमें महत्वपूर्ण 50 प्रश्न करने वाले हैं। और इससे पहले हमने जो है सेट 3 तक जो है कंप्लीट करा दिया है। तो आप सभी लोगों से निवेदन है, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। तो चलते हैं प्रश्न के ऊपर। तो ये जो प्रश्न है काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके बीपीएससी एग्ज़ाम के लिए। यहाँ पर पहला प्रश्न है कि शिशु नाग ने किसे पराजित कर शिशु नाग वंश की स्थापना किया। तो मैं आपको बता दूं कि शिशु नाग ने जो है नाग दशक को जो है पराजित कर शिशु नाग की स्थापना किया था, शिशु नाग वंश की स्थापना किया था। अगला प्रश्न है, पाटलिपुत्रा को मगध की स्थायी राजधानी के रूप में किसने स्थापित किया। तो पाटलिपुत्रा को जो है मगध के रूप में स्थायी राजधानी जो है उदयन ने किया था। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन ई होना चाहिए। अगला प्रश्न है, वान भट्ट द्वारा रचित हर्ष चरित्र के अनुसार कला अशोक की हत्या चाकू मार्ग किसने किया था। तो इसका जो सही उत्तर है वो है महापद्मानंद। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। अगला प्रश्न है, अजाशत्रु ने किस राज्य के साथ युद्ध में प्रथम बार शिलाकंठक तथा रथ मूसल जैसे नवीन शास्त्रों का प्रयोग किया। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा वज्जिज के युद्ध में। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा महाजन पद गणतंत्र था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी, वज्जिज। अगला प्रश्न है, आदिमानव के निवास के आरंभिक साक्ष्य बिहार के कहाँ से प्रस्तुत होते हैं। तो मुंगेर एवं नालंदा से प्रस्तुत होते हैं। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा कि आदि मानव के निवास और आरंभिक साक्ष्य बिहार में जो है मुंगेर जिला और जो आपका नालंदा जिला है यहाँ से प्राप्त होते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है कि बिहार सहित पूर्व भारतीय के आर्यों का आगमन हुआ था उत्तर वैदिक काल, ऋग वैदिक काल, महाजन पद काल और पाषाण काल में। तो इसका सही उत्तर है वो ऑप्शन आपका है ए नंबर, उत्तर वैदिक काल में जो है बिहार सहित पूर्व भारत में आर्यों का आगमन हुआ था। अगला प्रश्न यहाँ पर आपका 8 नंबर है और यह प्रश्न बोल रहा है कि बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना किसके द्वारा किया गया था। तो बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना जो है निम्नलिखित में से जो है स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ईरानी यात्री अब्दुल लतीफ किस मुगल शासक के शासनकाल में बिहार आया था। तो ईरानी यात्री अब्दुल लतीफ जो है निम्नलिखित में से मैं आपको बता दूं कि अकबर के शासनकाल में जो है बिहार आया था। अगला प्रश्न है, बिहार के किस उप नवाब की अफगानों में हत्या कर दी गई। राम नारायण अलवर्दी खां, जयउद्दीन हैवत जंग नवाब खां। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन आपका सी, जैनुद्दीन हैवत जंग की हत्या जो है कर दी गई थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है कि बिहार में सोने के व्यापार का एकाधिकार अंग्रेज को किसने प्रदान किया। तो बिहार में सोने के व्यापार का एकाधिकार जो है निम्नलिखित में से मीर जाफर ने अंग्रेजों को प्रदान किया। अगला प्रश्न है, बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया। तो बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व जो है हेक्टर मुनरो ने किया था। किसने किया था, हेक्टर मुनरो ने। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह में कहाँ के पुलिस जमादार हसन अली खां को फांसी की सजा दी गई। मुंगेर, सिवान, तिरहुत, सारण। तो इसका सही उत्तर है वो ऑप्शन आपका सी है, तिरहुत। तिरहुत के जो मतलब पुलिस जमादार हसन अली खां थे उनको जो है फांसी की सजा दी गई 1857 के विद्रोह में। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा व्यक्ति बिहार में होम रूल से संबंधित थे। मजरूल हक, हुसैन खां, राजेंद्र प्रसाद, राम कुमार शुक्ल। तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन आपका ए है, इनमें से कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं, समझ गए। यह किसान आंदोलन से संबंधित है, यह भी आपके किसान आंदोलन से संबंधित है, समझ गए। आगे हम बात करते हैं। तो अगला प्रश्न यहाँ पर 15 नंबर है कि अखिल भारतीय कांग्रेस का 37वां अधिवेशन बिहार में कहाँ आयोजित किया गया था। तो अखिल भारतीय कांग्रेस का 37वां अधिवेशन जो है बिहार में आपका जो है गया में किया गया था। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहार में राजनीतिक पीड़ित दिवस कब मनाया जाता है। तो बिहार में राजनीतिक पीड़ित दिवस जो है प्रतिवर्ष आपके जो है 10 अगस्त मतलब कब मनाया गया था। तो 10 अगस्त को मनाया जाता है, 10 अगस्त 1929 ईस्वी को मनाया गया था। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं कि
1934 ईस्वी में पटना में स्थापित बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव कौन थे? तो 1934 में पटना में स्थापित बिहार सोशलिस्ट पार्टी के जो आपके अध्यक्ष थे, जो सचिव थे, वह जो थे जयप्रकाश नारायण जी थे। अगला प्रश्न है, मुंगेर में सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो मुंगेर में सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व जो है आपके श्री कृष्ण सिंह ने किया था, जो कि बिहार का प्रथम जो है मुख्यमंत्री बने। अगला प्रश्न है, बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रथम अध्यक्ष जो थे वो आपके हसन इमाम थे। अगला प्रश्न है, बिहार में स्वराज दल का गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो बिहार में स्वराज दल की मतलब गठन जो है निम्नलिखित में से नारायण प्रसाद की अध्यक्षता में हुआ था। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं कि पटना में स्थापित अनुशील समिति की शाखा संचालन का दायित्व किसको सौंपा गया था? तो पटना में स्थापित अनुशील समिति का शाखा का जो संचालन था वह निम्नलिखित में से जो है सचिंद्रनाथ सान्याल को सौंपा गया था। अगला प्रश्न है, बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था? तो बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र जो था आपका पटना था। अगला प्रश्न है, बिहार हेराल्ड के संपादक निम्न में से कौन है? तो बिहार हेराल्ड के जो संपादक है वो गुरु प्रसाद सेन है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहार के क्रांतिकारी नेता खुदीराम बोस को फांसी कब दी गई थी? तो खुदीराम बोस को फांसी जो है, बिहार के जो क्रांतिकारी नेता थे इनको फांसी जो है 11 अगस्त 1908 ईस्वी को दिया गया था, सबसे कम उम्र में। समझ गए, आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न यहाँ पर है कि किनकी अध्यक्षता में वर्ष 1937 में छात्रों के राजनीति में रुचि लेने के लिए अखिल भारतीय छात्र दिवस मनाया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा किनकी अध्यक्षता में, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन आपका ये राम वृक्ष बेनीपुरी की अध्यक्षता में जो है छात्रों ने राजनीति के रूप लेने के लिए अखिल भारतीय छात्र दिवस के रूप में मनाया। नेक्स्ट यहाँ पर 26वां प्रश्न है कि 11 अगस्त 1942 को पटना में हुए सचिवालय गोलीकांड में निम्न में से कौन से व्यक्ति शामिल नहीं थे? तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी कि ये जितने भी हैं उमाकांत प्रसाद सिंह, रामानंद सिंह, लक्ष्मण दास, वासुदेव नारायण सिंह, ये सभी लोग शामिल थे। समझ गए, ये 7 लोग थे जो शामिल थे। तो यहाँ प्रश्न बोला है कि शामिल नहीं थे, तो ये सभी लोग शामिल थे, तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले का लिंगानुपात सर्वाधिक है? तो लिंगानुपात जो है सर्वाधिक जो है वो गोपालगंज का है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से भारतीय राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में बिहार का स्थान कौन सा है? तो वह जो है आपका 3रा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन आपका बी। समझ गए, अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। तो जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से भारतीय राज्यों के केंद्र शासित प्रदेशों में बिहार का स्थान जो है वो आपका 3रा है। आगे हम बात करते हैं। तो अगला प्रश्न यहाँ पर आपका है कि निम्न में से कौन सा बिहार के प्रथम राज्यपाल थे? तो बिहार के प्रथम जो राज्यपाल थे वो आपके जो है जयराम दास दौलत राम जी थे। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध सीताकुंड का समृद्ध किस जिले से मिलता है? तो सीताकुंड का जो समृद्ध है वो आपके जो है मुंगेर जिले से मिलता है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले में तराई मिट्टी का सर्वाधिक बहुल्य पाई जाती है? तो तराई मिट्टी जो है सबसे ज़्यादा जो है वो बिहार के पश्चिम चंपारण में पाई जाती है। तो इसका क्या आंसर है? ऑप्शन आपका ये है। अगला प्रश्न है, किस लोक नृत्य का संबंध बिहार से नहीं है? नचारी, जोगीरा, झिझिया, सतरिया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका डी, सतरिया का संबंध नहीं है। अगला प्रश्न यहाँ पर आपका है कि रंधारी सिंह दिनकर का स्मरण किस जिले से है? तो रंधारी सिंह दिनकर का संबंध जो है आपका निम्नलिखित में से जो है बेगूसराय जिला से है। बेगूसराय में इनका जन्म हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका डी। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत बिहार में लड़कियों के परिवार को वाले को शादी के समय कितनी राशि सहायता रूप में दी जाती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन आपका ए, 5000 रुपये दी जाती है सहायता के रूप में। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर आपका है कि बिहार में जिला परिषद की कुल संख्या कितनी है? तो बिहार में जिला परिषद की कुल संख्या जो है 38 है। अगला प्रश्न है, पटना नगर निगम की स्थापना किस वर्ष की गई? तो पटना नगर निगम की स्थापना जो है यह आपका जो है 1992 ईस्वी में किया गया। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत महाधिवक्ता को विधानसभा में बोलने तथा कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है परंतु मत देने का अधिकार नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी, अनुच्छेद 177। अगला प्रश्न है, राज्य विधानमंडल के अंग होते हैं? तो राज्य विधानमंडल के दो आपके अंग होते हैं वो आपका होते हैं राज्यपाल, विधानसभा, विधान परिषद, मुख्यमंत्री, ये सब नहीं होते, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका ई।
अगले प्रश्न की हम बात करते हैं तो अगला प्रश्न है कि राज्य उच्च न्यायालय के अंतर्गत अभिलेख न्यायालय का उल्लेख किया गया है। तो राज्य उच्च न्यायालय के अंतर्गत अभिलेख न्यायालय का उल्लेख जो है आपके अनुच्छेद जो है 215 में किया गया है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 80 हो जाएगा। अगला प्रश्न है बिहार विधान परिषद में सीटों की संख्या कितना है। तो बिहार विधान परिषद में सीटों की संख्या जो है आपका 75 है। कितना है, 75 है। अगला प्रश्न है बिहार में श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में मंत्रिमंडल का गठन कब किया गया था। तो श्री कृष्ण सिंह जो है बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे और इनके जो है नेतृत्व में मंत्रिमंडल का गठन जो है सर्वप्रथम जो है 20 जुलाई 1937 ईस्वी को किया गया था। नेक्स्ट यहाँ पर आपका 82 नंबर प्रश्न है कि राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है, राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, राज्य के मुख्य न्यायाधीश। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, आपके राज्य के मुख्य न्यायाधीश जो है राज्यपाल को शपथ दिलाते हैं। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं 44 नंबर, 2021 के प्रसिद्ध कलराव महोत्सव का आयोजन किस अभ्यारण्य में किया गया। तो नागीनट्टी पक्षी अभ्यारण्य। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, नागीनट्टी पक्षी अभ्यारण्य जो कि आपके जमुई में है, याद रखिएगा, जमुई या मुंगेर में है, मे बी मुंगेर में है, देख लीजिएगा, मुंगेर में है ये, जमुई में नहीं, मुंगेर में है। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि प्रसिद्ध राजगीर रोपवे का निर्माण किस देश की सहायता से किया गया। तो प्रसिद्ध राजगीर रोपवे का निर्माण जो है निम्नलिखित में से जो है जापान की सहायता से किया गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रसिद्ध तीर्थस्थल थावी किस जिले में स्थित है। तो यह जो है आपके गोपालगंज में स्थित है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं कि बिहार का सबसे लंबा राज्य मार्ग कौन सा है। तो आपका NH जो है निम्नलिखित में से NH 31 जो है सबसे लंबा राज्य मार्ग है। अगला प्रश्न है बिहार में सर्वप्रथम रेल पहिया शुरुआत कब किया गया था। तो बिहार में सर्वप्रथम जो है रेल पहिया शुरुआत जो है 1860 से लेकर 62 ईस्वी में किया गया था। अगला प्रश्न है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पटना मेट्रो प्रोजेक्ट का शिलान्यास कब किया गया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो है पटना मेट्रो प्रोजेक्ट का जो है शिलान्यास जो है निम्नलिखित में से जो है 17 फरवरी 2019 को किया गया, समझ गए। और अंतिम प्रश्न है बिहार में कुल कितना सीमावर्ती जिला है। तो बिहार में जो है कुल जो है 22 जिला जो है सीमा से सटा हुआ है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत, ओके, धन्यवाद।